विजेंद्र रेड्डू जी, इनेलो का क्या कहना है इन आंकड़ों पर? क्या वाकई स्थिति अब पहले से बेहतर हुई है? क्योंकि करनाल और कैथल में तो किसान भी खुश हैं और आड़ती भी खुश है। जी देखिए, 19 तारीख को आपके साथ इसी मुद्दे पर हमारी डिबेट हुई थी, आपके साथ ही हुई थी जी। 19 तारीख को जो हालात थे वो बिल्कुल डिफरेंट हालात थे और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। मंडियों के गेटों पर ताले तक लगाए जा चुके थे और लोगों ने यहां तक कह दिया था कि हम बिल्कुल उठाने ही नहीं देंगे। अगर यही हालात है, यही किसान को आपने परेशान करना है तो गेटों पर ताले तक जड़ने का काम किया था। और ये बिल्कुल सही बात है कि आपने जो 19 तारीख को ये मुद्दा उठाया और उसके अगले दिन ही हमने बयान सुना मुख्यमंत्री जी का, उनका बयान आया था कि प्रशासन अपने स्तर पर इसको उठाने का प्रबंध करे और जो ये ई टेंडरिंग है इसको एक तरफ चलने दे और अपने साधनों से भी इसका जुगाड़ करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुद्दा उठाया तो किसान को राहत की सांस मिली और उसके बाद तुरंत प्रशासन ने प्रबंध किया। और आज भी जो आप क्लिप सुना रहे थे उसमें किसान साफ तौर से कह रहे थे कि प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, प्रशासन ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए उठान के कार्य को गति देने का काम किया। मनोज, ये क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर कि क्या आज की स्थिति अच्छी है? जब किसान भी खुश है तो किसान खुश होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सरकार सोती क्यों है? सरकार पहले से जागती क्यों नहीं है? क्वेश्चन ये उठता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मनोज जी उठता है ई टेंडरिंग के ऊपर। देखिए, गेहूं की सरकार ई टेंडरिंग के ऊपर बड़ा जोर दे रही है और गेहूं की उठान की भी ई टेंडरिंग ही हुई थी। मंडियों में एक एक ठेकेदार को ई टेंडर का काम दिया गया था, पूरी अव्यवस्था फैल गई, ये ई टेंडरिंग का परिणाम था। और जब लोकल स्तर पर इसका प्रबंध करने का आदेश दिया गया सरकार के द्वारा तो सारी स्थिति सामान्य होती चली गई, सामान्य होगी। लेकिन इस दौरान दूसरा क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन तो मेरा ई टेंडरिंग के ऊपर है। जो ई टेंडरिंग एक प्रयोग करने जा रही है सरकार, उसके ऊपर एक सवालिया निशान यहाँ पर लग जाता है मंडियों के उठान के ऊपर। दूसरा जो है कि सरकार आगे से इस बात की मतलब प्रबंध करे, यदि लेट लतीफी ना करे कि जिस प्रकार से 1 तारीख को प्रत्यय शुरू होती है, दस्त करती है, फिर बारदाना नहीं मिलता है और फिर कहीं जाकर के उसकी भराई शुरू हो जाती है। और इस दौरान जो बारिश हुई और बारिश में आपने दिखाया कितनी मंडियों में गेहूं के जो बोरी के बोरे भीग गए और खुला अनाज पड़ा था, ऊपर सेट तक नहीं थे, पूरा अनाज भीग गया। उस भीगे हुए अनाज के कारण प्रदेश को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, कितने करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ, अगर सरकार जागरूक होती तो प्रदेश को वो करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं होता। बेशक उसका भुगतान सरकार करेगी, बेशक उसको सरकार सहन करेगी, लेकिन आखिर वो पैसा तो प्रदेश का, सरकार कोई अपनी जेब से नहीं देता कोई मंत्री, वो सरकार का ही पैसा, जनता के द्वारा वसूला गया पैसा ही उसके जो ना उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो इसलिए सरकार को सचेत रहना चाहिए। और मनोज जी, ये सरकार जो है ना 2-3 बातें छोड़ दे, एक भला होगा आश्वासन कि हम आश्वासन देते हैं ऐसा हो जाएगा, हम आश्वस्त करते हैं ऐसा हो जाएगा, आश्वस्त नहीं करते। आश्वस्त तो जो ना विपक्ष किया करते हैं, सरकार तो करके दिखाया करती है, वो करके दिखाए, समय से करें। दूसरा इनका एक नारा है, बड़ा नारा, हम साथ खड़े हैं। कोई भी हो, चाहे वो महिला पहलवान है, चाहे कोई महिला कोच है, चाहे किसान है, मजदूर है, हम अन्न के साथ खड़े हैं और हम दोषी को बख्शेंगे नहीं और निर्दोष को का कुछ होने नहीं देंगे। ये साथ खड़े होने की बात भी छोड़ दे तो बड़ा भला होगा, और सारा साथ खड़े होने की बजाय उसके ऊपर एक्शन ले करके दिखाए, उसका कार्य करके दिखाए। और तीसरा, बस 5 सेकंड और लेता हूँ, तीसरा है कि ये सब अचानक हो गया, ये भी एक बड़ा नारा है इस सरकार का। कुछ भी हो जाए, खाद नहीं मिलेगा, अचानक बिजाई ज्यादा होगी, गेहूं की उठान नहीं होगा, अचानक आवक ज्यादा होगी, बिजली नहीं मिलेगी तो अचानक गर्मी बढ़ेगी, एक अचानक शब्द। तो मेरा निवेदन है कि 3 शब्दों को छोड़ करके एक्शन प्लान के ऊपर आए सरकार तो ज्यादा बेहतर है।